तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने अब्राहम लिंकन का एक सबसे महत्वपूर्ण कोट सुना होगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए जनता के द्वारा। मतलब कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता ही सर्वोपरि होती है। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में आप देखेंगे कि वर्तमान में लोकतंत्र क्या है? नेताओं का, नेताओं के लिए, नेताओं के द्वारा। जो जनता थी वो नेता से रिप्लेस हो गई। मतलब कि जो भी चुनाव हो रहे हैं वो नेता का, नेताओं के द्वारा, नेताओं के लिए हो रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, जोड़ तोड़ की जो राजनीति चल रही है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में जनता कहीं नहीं है। कौन होता है? नेता होता है। जैसे कि आप दल बदल को देखेंगे तो उसमें जनता की ख्याल कहीं भी नहीं रखी जा रही। उदाहरण के रूप में अपन देखें, जो मध्य प्रदेश में जो दल बदल हुआ, जो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की व्यवस्था को बदला गया, जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी जगह बीजेपी की सरकार आई, यही आप कर्नाटक में देखेंगे, वो जो हुआ उसमें क्या हुआ? नेताओं का, नेता का, नेता के लिए, नेता के द्वारा। मतलब एक नेता मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था, एक नेता सरकार बनाना चाह रहा था, तो बाकी जो भ्रष्ट नेता थे उन्होंने उसमें सहयोग किया और उन नेताओं ने सरकार बनाई। तो लोकतंत्र में इस जो उदाहरण मैंने दिया आपको, इसमें नेताओं ने जनता के लिए कुछ नहीं सोचा। किसके लिए सोचा? नेताओं के लिए सोचा। तो आप समझ गए, जो लोकतंत्र जनता के लिए होना चाहिए था, जनता के लिए होना चाहिए था, जनता के द्वारा होना चाहिए था, वह नेता का, नेताओं के लिए, नेताओं के द्वारा हो रहा है। यह बात आप समझ गए। तो और एक बात दूसरी